हिंदुस्तान और से दंगल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलशेखर दुबे। अभी जो स्क्रीन पर जो नज़ारा, जो भव्यता, जो सुंदरता आप सभी लोग, जो छटा आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये है श्री अर्जुन बाबू पशु मेला एवं हाट बाज़ार की, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में लग चुका है। 9 अप्रैल से ये मेला लग चुका है, ठीक एक महीना तक ये मेला चलने वाला है, 9 मई तक, जिसमें आप सभी को विलुप्त होता हुआ जो हम लोग कहानियों में सुनते आ रहे हैं, हाथी रेस, घोड़ा रेस, पशु पक्षी जानवर, जो कि बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाने वाला सोनपुर मेला अब बिल्कुल विलुप्त के कगार पे है, उसका कोई मेला का माथ मालिक नहीं है। लेकिन आज बिहार की धरती पर एक ऐसे भी पुरुष हैं जो आज फिर से बिहार में जो चार चांद लगाने का काम किए हैं, बिहार सरकार में रहे पूर्व मंत्री श्री राम सूरत राय जी बोचहा मुजफ्फरपुर बिहार से। पहले हम लोग कहानियों में सुनते आ रहे हैं कि हाथी का भी रेस होता है, तो आज इस बार दूसरा रेस होगा 2024 में। 17 अप्रैल 2024 को हाथी रेस का महामुकाबला है, जिसमें कई हाथियाँ पार्टिसिपेट करेंगी। अभी आप सभी लोग एक हाथी को देख रहे हैं, ठीक रेस से एक दिन पहले ये हाथी प्रैक्टिस कर रहा है ग्राउंड पर। इसी ग्राउंड पर रेस होना है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रथम आने वाले को मोटरसाइकिल इनाम रखा गया है। कई हाथियां आप सभी को ग्राउंड पर दिख रही होगी मेरे वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी जो हाथी देख रहे हैं, दोनों दांत, जो कि फोटो में हम लोग देखे हैं कि हाथी के दो बड़े दांत होते हैं दिखाने के लिए, उसकी सौंदर्यता के लिए, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये पट्ठा हाथी है और जो चर्चा है कि इस हाइट कंडीशन का, इस कद काठी का हाथी पूरे बिहार में अभी शायद नहीं है किसी के पास। इस हाथी के मालिक हैं प्रवीण सिंह ठेकेदार जी, उन्हीं का ये पट्ठा हाथी है और चाल भी अपने आप में कितना मस्त है। झूमते हुए हाथी राउंड को पूरा कर रहा है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। और इसी मेला में इसके बाद घोड़ा रेस भी होने वाला है, जो कि 30 अप्रैल 2024 को घोड़ा रेस का महामुकाबला भी रखा गया है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के, बिहार के, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के और पंजाब के घोड़े उस रेस में शामिल हो रहे हैं। और जिन लोगों को अभी पहले से विचार नहीं बना है, तो अभी इस मेला देखने के लिए विचार बना लें और अपना जो भी जानवर है, घोड़ा हो या और भी जो भी आप शौकीन जानवर रखे हुए हैं, आप लेकर मुजफ्फरपुर मेला में ज़रूर आइए। आपका तहे दिल से स्वागत है। और अभी शानदार नज़ारा देख रहे हैं, तीन हाथी एक साथ एक दूसरे को पीछा करने में लगे हैं हुए हैं, तीनों पहलवान जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। और ख़ास करके जितने भी हिंदुस्तान के घोड़ा के मालिक हैं, सवार हैं, जो मंत्री जी के लड़के हैं सुभाष राय जी के तरफ से, आप सभी को निमंत्रण है, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आप सभी को भव्य स्वागत किया जाएगा। आप सभी लोग इस मेला में ज़रूर पधारें। वीडियो आप सभी को कैसा लगा? एक जल्द और वीडियो जाने वाला है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि पूरा हिंदुस्तान देखे, विदेश के भी लोग देखें कि भारत में, भारत का एक छवि अपना अलग है। बड़ बाबू।